हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल प्रेम राधे 2.0 में। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ जो कि वैकेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है WBPDCL यानी कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। देख सकते हैं ये कल का ही डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट से जाके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर WBPDCL रिक्वायरमेंट 2023-08। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब चलिए हम लोग उनका देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है DTL ऑफ पोजीशन एंड मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए निकाला गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वेलफेयर ऑफिसर के लिए निकाला गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, सर्वेयर है, ओवरमैन है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। तो इन सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है और यहाँ पे इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे जो है सैलरी बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में बताया गया है, पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट माइन मैनेजर का कितना है, हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ कितना मिलेगा, माइन अलाउंस पर मंथ कितना मिलेगा, तो सारे पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट भी यहाँ पे देखिए दिया गया है, मैक्सिमम 55 ईयर ऑन 1/11/2023। ठीक है, तो इसको भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अभी देखिए रिजर्वेशन का बताया गया है। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल जो मेन मेन टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव फॉर पर्सनल इंटरव्यू वी हेल्ड द कोलकाता ओनली। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए कोलकाता जाना होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया। अगर आप कमेंट करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कब से अप्लाई होना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट 4/12 तारीख से अप्लाई होगा 25/12/2023 तक। ठीक है, यानी 4 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू होगा, 25 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। और ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।